रो ना, कहां से आए हो? हैं? दिल्ली रहते हो, कन्नौज से, यहां क्या कर रहे हो? 15 दिन से पीछे पड़े हो, सो यहां आ गए। चलो रो मत, पहले चुप हो, इधर आओ, हमारे पास आओ। हाँ, अब पहले रोना बंद करो, क्या अर्जी लेकर आए हो पूछो। ठीक है, हमने पढ़ लिया आपके 8 प्रश्न हैं चिट्ठी में, हमने पढ़ लिए थे जब तुम घर पे लिख रहे थे, तभी पढ़ लिए थे। रोना पहले बंद करो, तभी सुन पाओगे हमारी बात। हाँ, और पूछो, तीसरा प्रश्न पूछो। मर्डर किसका हुआ, किस बात पे? जी, तो सही बात पूछो, मूल बात। तो तुमने FIR कही? हाँ, तो क्या जानकारी हुई? जानकारी में सब वो पकड़े गए, लेकिन उन्होंने तांत्रिक ने पैसे भर दिए 5 लाख रुपए। जी, लेकिन अभी तो आपकी फाइल दब गई है। नहीं, वो जो है केट में का ना, उसको कोर्ट में केस चल रहा है, अभी 6 तारीख को मैं कोर्ट में केस तारीख देके और फिर सीधा बागेश्वर धाम गया था। कोई बात, ठीक, और क्या जानना? चलिए पढ़िए चिट्ठी में, 8 प्रश्न लिख करके लाए, बहुत टेंशन में है, दुश्मन पीछे लगे हुए हैं, काम रुक गया है, प्रेत बाधा तांत्रिक विद्या लगातार की जा रही। माइक रखा होगा यहाँ, ये जी, तांत्रिक विद्या की जा रही है। आपकी बेटी का कत्ल हुआ, बेटी का कत्ल हुआ, वर्तमान में मुकदमा चल रहा है, केस को कमजोर कर दिया गया, फाइल को दबाने की कोशिश की जा रही है, वह अपराधी बाहर हैं, लेकिन उनको सजा मिलनी तय है, जाओ, वह सजा पाएंगे और तुम्हारी दोनों बच्चियों का विवाह योग 2026 में बन रहा और तुम्हारा बाल बांका तंत्र विद्या से नहीं होगा, आशीर्वाद है। अरे राम राम, जय सिया राम। बिल्कुल, इनको प्रेतराज सरकार के दरबार में लाना है, बैठारना है, क्योंकि सवारी की दिक्कत हो रही है, झटका भी लग रहा है, गला भी पकड़ रहा है, प्रेत बाधा बहुत गंदा है। हम उपाय करते हैं, हमसे जितनी मदद बनेगी आपकी करेंगे, क्योंकि आपकी हर प्रकार से स्थिति खराब है, दुश्मन पीछे लगे हुए हैं, वो बलवान है, धन से भी वो संपन्न है, आप धन से भी संपन्न नहीं हो, बहुत ज्यादा तनाव बना, लेकिन वर्तमान में आपकी आर्थिक दशा को हम देखते हुए हमने आपके ऊपर जितनी भी शक्तियों से पता किया, उस आधार पर हमें जो जानकारी लगी कि वर्तमान में आप अपने घर का चांदी का सामान निकाल करके आए हो, बड़ी मुश्किल से मिल पा रहे हो, हम आपकी आर्थिक मदद भी करेंगे कि आप पेशी कर पाओ। नितेंद्र जी कहाँ हैं? नहीं, नितेंद्र जी को बुला रहे हैं। अंगद जी, कुछ रुपया तुम्हारी जेब में हो, नितेंद्र जी को बुलाओ, उनको उनसे रुपया मंगाया जाए। नहीं नहीं नहीं, हमारी जिम्मेदारी, हमें सन्यासी बाबा ने कहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें आपकी मदद करनी है। जरा बेटा तुम भी दो, हाँ नोट निकालो, आओ इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, तो क्या हुआ, आप वैसी तो हम मदद करेंगे ही, पर वैसी भी हम आपके, आ जाने दो,
पागल हो गए? नहीं, हम मिलते रहेंगे, रोना नहीं है। हाँ हाँ, लाओ जरा। कोई बात नहीं, हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। लो, इतना भी लो, बाकी बाद में व्यवस्था करेंगे हम आपकी। और जाओ, कातलों को भी सजा मिलेगी और तुम्हारा तंत्र मंत्र भी कट जाएगा। हमारा आशीर्वाद है। इन लोगों को पटकी डालो जिन्होंने भी सहयोग किया है। हाँ, हम आशीर्वाद दे दें। हम आशीर्वाद, नहीं नहीं नहीं, पागल हो गया, हम तुम्हें थोड़ी दे रहे। ये लो, ये लो, जरा बच्चे पकड़ो। हाँ, इधर देखो, हम तुम्हें नहीं दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद है, सदा सुखी रहो, ये सेवा है। नहीं 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 नहीं, हमने थोड़ी दे, अब लोगों ने दे दिए तो हम कहाँ खर्च करेंगे। हम आए लोग, भगवान की खूब कृपा है, खुश रहो, बस आशीर्वाद, धन्यवाद। अब उस बच्चे को चाहिए नहीं है, अपने अपने जेब में डाल लो, ज्यादा एक्स्ट्रा हो कल हमें दे दियो। बस बस रख लो, रख लो, बस रोते नहीं है, रोते नहीं है, आशीर्वाद जाओ। जे तुम रखे रहो, नहीं नहीं, हाँ, ये हमारे रुपया नहीं है, लोगों से मांग कर हमने दिए हैं, दूसरों की बुद्धि ठीक करके दिए हैं। तुम इससे पेशी करना, इसे खर्च मत करना, पेशी करना, इन्हीं के आधार पे आना। अब कुछ भी बेच के नहीं आना है तुम्हें धाम, पेशी इन्हीं रुपयों से करना है। हमें सन्यासी बाबा ने कहा था, इसलिए हमने तुम्हारी मदद की है, अपने मन से हमने नहीं की है। आओ तुम्हें गले लगाए, हाँ बस जाओ, खुश रहो। हाँ, कर सकते हो, पर मकान अभी मत बेचो, रुक के बेचो, पहले ये मुकदमा उकदमा का निपट जाने दो, ठीक है? ठीक है, आज्ञा है। हाँ, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अभी मत बेचो, क्योंकि बेटियों के विवाह में भी तो लगे। अच्छा, आज्ञा है, जा जा, खुश रहो, चलो जा। ये सब रखे रहो, इससे पेशी करना, नाए माए मत करना, जाइए। ये आपका पार्च, अब रोना नहीं है, आज से खूब हंसना है। आइए, कहां से हो मां? बीरौल, कहां पर है ये? हैं? पास में ही है। साधु जी, बोलिए क्या समाधान चाहती हैं आप? हैं? आपको पति के बारे में जानना है। आप हिंदी पढ़ी लिखी हो? नहीं पढ़ी लिखी तो सुन लेती हो, समझ लेती हो, ठीक है। और कुछ जानना? माइक ले सकती हो आप? माइक तो ले लो आप। मैं ये कहूँ, मार बच्चा है, बच्चा दंदो हाथ नहीं लागतो है, छोटो बच्चो है, सात बच्ची है, तीन बार पति दे, दो बार विवाह करी है, दो बार। आप महाराज जी इनको इनकी भाषा में बता दो, हम हिंदी बोलते जा रहे, इनका परचा हम पढ़े दे रहे। आप माइक ले लो, इन्हें माइक दे दो। अब तुम हाँ या ना भर बोलते जाना, गलत बोले, महाराज जी यहाँ बैठ जाओ, आप आ जाओ, यहाँ आ जाओ। इनसे हम, इनको हम बताते जा रहे हैं, ये आपकी भाषा में बताते हैं। पहला तो आया तुम्हारी पति की तबीयत के बारे में, उनको
माता जी हमारी सुनो, आपके पति को पूरे शरीर में गांठों में दर्द बना हुआ है, 2009 से समस्या है, 16 साल होने वाले हैं, 15 हो गए, 16वीं चल रही है, अपने समझ रही, तबीयत ठीक नहीं, घर में अशांति बनी, बच्चे के व्यापार में अवरोध बना, आपकी बच्चियां 3 बीमार पड़ी हुई हैं, उनके भी शरीर में दिक्कत बनी हुई है, वो एक को पकड़ता है एक को छोड़ता है, सीना व पेट में दिक्कत बनाता है, पहले इन्फेक्शन बना चुका है, देवताओं का काम बंधन का करवा चुकी हो, आराम नहीं लगा है, तंत्र विद्या की गई है, आराम लग जाएगा, बालक सफल हो जाएगा, आशीर्वाद है। क्या ये बात सही है? माइक से बोल दो, भले ही अपनी भाषा में बोलो पर बोलो। बात सही है, बिल्कुल सही है। बच्चों की आदत नशा करवा रही है, नशा करे, नशा छुड़वाओ बासी, मैंने नशा पसंद नहीं है। 7 बच्चे है, 2 बच्चा है, पर 3 बच्चियां बीमार, 3 मार पेट से है। हाँ, 3 हाँ, 2 विवाह हुए थे ना, 3 है, पहली पत्नी की बच्चियां, अच्छा बहन भाई, 2 बच्चा, 4 बच्ची मार पेट है, यानी हम सही हैं, गलत तो नहीं है, सही है आप बराबर है। हाँ, तो उन तीनों को बीमारी बनी हुई है जो, उसके लिए धाम आना है, हम उपाय कर देवेंगे। अच्छा नहीं, आप आ सकती हो, बालाजी कृपा करेंगे, आपको आना तो पड़ेगा, क्योंकि वो जो 3 बच्चियां हैं पहली वाली औरत की, उनको बहुत जरूरी है लाना, उनका एक भी कोई आ जावे या आप आ जाओ तो वो तंत्र विद्या को काटने में हमें सहूलियत मिलेगी, और पेशी करनी पड़ेगी तभी आराम लगेगा। जय सिया राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की जय, बालाजी जय, राम चंद्र सीता मैया की जय। हाँ हाँ, अरे राम, यहाँ से, अच्छा ये इन्फेक्शन किसको बना था? बच्ची को, उसको भी आना है, क्योंकि उसके बारे में भी उन्होंने संकेत गुरुजी ने किया है, धाम पर लाना है, धाम पर। हमारी पूरी बात समझ आ गई? इसमें मंत्र लिखा, वो पंडित जी आपको कान में बता देंगे मंत्र, ये पर्चा दिखाई देगी उनको, वहीं वहीं से भभूति ले लो। अच्छा बालाजी दया कर ले, आशीर्वाद, बालाजी सुधारेंगे, उसकी बुद्धि ठीक करेंगे, और काम धंधे की भी दिक्कत, उस पर भी कृपा हो। बराबर बराबर, ठीक है, आप उठ जाओ। अच्छा आपके मन में थी कब मिलेंगे, लो अब मिल लिया, अब प्राण खा लो हमारे।